इस वक्त आ रही एक बेहद अहम और बड़ी खबर। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि तहखाने से 4 फीट की मूर्ति मिली है। वाराणसी के ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे चल रहा है और इसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि तहखाने से 4 फीट की मूर्ति पाई गई है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं वाराणसी से। अमित, सर्वे जारी है, किस तरह का दावा? देखिए, सर्वे जारी है और जो खबर इस वक्त जो हमारे सोर्स बता रहे हैं और हिंदू पक्ष का दावा भी है और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि तहखाने के अंदर से 4 फीट लंबी एक मूर्ति मिली है। मूर्ति के ऊपर कुछ कलाकृतियां हैं और किस कालखंड से ये बिलोंग करती हैं इस बारे में फिलहाल पता लगाना अभी बाकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार सर्वे का काम अंदर जारी है और जैसे ही तहखाने में एएसआई की टीम एंट्री की है उसके बाद हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि अंदर कलश और तमाम जो मूर्तियों के जो कलाकृतियां हैं वो गेट पर बनाई गई हैं। कमल, त्रिशूल, कलश की मूर्तियों की आकृतियां जो हैं वो गेट वो अंदर तहखाने के अंदर बनाई गई है। तो फिलहाल सर्वे का काम जो है वो लगातार जारी है और सबसे बड़ी खबर यह है कि 4 फीट लंबी जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि 4 फीट लंबी जो है मूर्तियां मूर्ति मिली है लेकिन किस कालखंड की है इस बारे में पता लगाया जा रहा है। और ये बड़ी खबर अमित आप दे रहे हैं कि तहखाने की चाबी ली गई, एएसआई सर्वे कर रहा है और ऐसे में 4 फीट की मूर्ति मिली है। कमल के प्रतीक, त्रिशूल के प्रतीक यहां पर पाए गए हैं लेकिन सर्वे आगे भी लगातार जारी रहे। महिलाएं सभी लकड़ी ले जाते हुए दिखे। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी नर्मदा और दूसरी नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया जिससे जबलपुर से मंडला जाने वाले पुल पर खतरा मंडरा रहा है और बताया गया कि उस पुल से कुछ ही फीट नीचे पानी बह रहा है जिसे देखते हुए प्रशासन ने नर्मदा नदी के किनारे सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के निर्देश दे दिए क्योंकि नर्मदा नदी में आए उफान की वजह से वहां जबलपुर में ग्वारी घाट के किनारे सभी दुकानें डूबी नजर आई जबकि नर्मदा मंदिर की सीढ़ियों पर भी पानी ने कब्जा जमा लिया और वहां दूर तक सिर्फ सैलाब ही दिखाई दिया। लेकिन नर्मदा नदी का पानी लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है क्योंकि वहां बरगी बांध के गेट खोल दिए गए जिससे 30 से 36 मीटर तक जल स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। नर्मदा नदी के अलावा वहां गौर, हिरन और परियट नदी में आई बाढ़ भी लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रही है। यही वजह रही कि प्रशासन ने नदी के किनारों से लोगों को दूर ही रहने की चेतावनी दी। उत्तराखंड में बरसी आफत ने पहाड़ पर सैलाब ला दिया। वहां बागेश्वर से आए एक वीडियो में बरसाती नालों में ऐसा उफान आया कि कई गाड़ियां उसमें फंस गई क्योंकि जैसे ही उन गाड़ियों के ड्राइवरों ने उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की गाड़ियां वहां जाकर अटक गई। उफान मारते पानी को पार करने की कोशिश करना उन्हें इतना भारी पड़ा कि उन कारों में बैठे लोगों की जान पर बनाई जिसके बाद उसमें मौजूद लोगों को गाड़ियों से उतार दिया गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक के बाद एक कई कारें वहां आकर अटकती चली गई और धीरे धीरे इतना पानी बढ़ गया कि उन कारों के पूरे टायर पानी में डूब गए जिसके बाद पानी में फंसी गाड़ियों को दूसरी गाड़ियों की मदद से खींचकर बाहर निकाला गया। और इसी तरह की तबाही का एक और